मार्केट क्यों गिरा आज, कुछ अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग, देखिए 15700 से लेके 17300 तक एक नॉन स्टॉप रैली आई पिछले 10 सेशंस में, और ये तकरीबन 10% होता है इंडेक्स लेवल पे। तो प्रॉफिट बुकिंग आया तो बहुत ही लाजमी था, कोई भी वजह हो प्रॉफिट बुक करते हैं जो भी बाय करके नीचे बैठे हुए हैं। नंबर सेकंड रीजन जो है वो है क्रूड आपका $108 तक चला गया है। इसका मतलब क्या है, जितनी भी कंपनीज जो कि यूज करती हैं आपका ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक्स का, उनके मार्जिन्स हिट होंगे और ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट आएगा, क्योंकि क्रूड महंगा हुआ है इसका मतलब पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। और 25 रुपए पर लीटर में अगर बल्क में कोई खरीदता है डीजल या पेट्रोल, तो उसमें 25 रुपए पर लीटर की कॉस्ट इंक्रीज हो चुकी है। तीसरी अगर मैं बात करूं तो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वार्तालाप हो रही थी वो अभी उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। दैट मीन ज़ेलेंस्की ने कहा भी था, ये स्टेटमेंट दिया था, अगर इससे बात नहीं हुई तो फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। ये सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ट्रेडर्स अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं और मार्केट नीचे आने लगता है। देन हम नंबर फोर तक अगर बात करूं तो आप देखिए बहुत सारे शेयर्स ऐसे IOC, BPCL जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, इन सब पे एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा इसकी वजह से, क्योंकि क्रूड महंगा हो गया और प्लस जो सरकार ने 25 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ाया है इसमें कंपनीज को भी बेयर करना पड़ेगा। मेटल सेक्टर में मैं बात करूं, मेटल सेक्टर में आज तेजी रही है। उसका रीजन ये है कि जो स्टील प्लांट है यूक्रेन में वो बॉम्ब से उड़ा दिया गया है, और जब कहीं पे प्रोडक्शन की कमी हो जाती है, अगर यूक्रेन बहुत ज्यादा सप्लाई करता था मेटल्स को वर्ल्ड वाइड, अगर वहां पे अगर कोई कमी आती तो ऑब्वियस सी बात है आपका प्राइसेस राइज होंगे मेटल्स के। तो ये सारे अपडेट्स है स्टॉक मार्केट के। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।